बात करें जो है स्टूडियो का जो ओपनिंग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मोहन राठौर, सबको मेरा प्रणाम, अरे बहुत शुक्रिया समाज को। अनिल जायसवाल जी हैं मेरे साथ, मेरे भाई और मोहिनी जी हैं। तो आज हम लोग सब कलाकार आए हैं इस स्टूडियो के ओपनिंग में। त्रिमूर्ति स्टूडियो है और इसका एक ब्रांच मऊ जिला में है, जिसमें कि मैं गाना गाया था बाबा डमरुआ वाला हो, राज भैया ने म्यूजिक किया था बहुत ही अच्छा। और उनका जो स्टूडियो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टूडियो है ये, और इसमें मुझे लग रहा है कि हमारे भोजपुरी के जो भी होंगे, मतलब 60-70% तो यहाँ पे ज़रूर ही आएंगे मेरे अनुमान से। तो बस हम लोग मिल के अच्छे से काम करेंगे और यहाँ पे, और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए और यहाँ पे प्यार दुलार दीजिए, ताकि इस स्टूडियो का प्रचार प्रसार अच्छा हो। कितना सहयोग मिलेगा आपको? पूरा फुल सहयोग मिलेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के हैं, जिला गाजीपुर से मऊ बहुत दूर नहीं है, और हम चाहेंगे कि जिला वाली बात ना रहे, हमारे प्रदेश वाली, हमारे भाषा की बात है, पूरे यूपी बिहार की बात है। तो आप लोग सपोर्ट इनको करिए। इनके ऑनर में क्या कहना चाहिए स्टूडियो के बारे में? स्टूडियो के जो ऑनर है, तो उनको, वो तो हमारे मित्र हैं और हम सब उनके सपोर्ट में हैं। बस यही अपील कर रहे हैं कि हम लोग, बस आप लोग आइए और ढेर सारा प्यार दिला दीजिए। तो शुभ सगुन मुहूर्त है, तो दो लाइन कुछ आपके मुखारविंद से जी। मेरा भी होली का सॉन्ग आया है देव कंपनी से, बहुत ही अच्छा भी चल रहा है, और एक हम पतरी हमार सैया झरेलवा इस टाइप करके गाना बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया गाना है। तो मैं एक गाना हम लोग गा देते हैं। सोचना पड़ जाता है गाना गाने के लिए, क्या गाया जाए। नाम सुंदर भैया, वहाँ गाना गा वाला। एक गाना मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं इसको गा रहा हूँ, क्योंकि सब ऐसा चीज़ मुझे फोक, मैं गाता हूँ अपना गाना भी, बट वो सब चीज़ें जब तक मैं फोक अपने हृदय से निकालता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि मैं एक फोक सिंगर हूँ, भोजपुरी मेरे अंदर है। तो गाना मैं गा रहा हूँ, अब भैया तो है नहीं, रविंद्र राजू जी, उनका गाना मैं सुर संग्राम में गाया था। मेरे मतलब एक मन कर दिया आज गाने के लिए, क्योंकि स्टूडियो का ओपनिंग है आज, तो ऐसा थोड़ा सा रहेगा तो अच्छा रहेगा। सब कहे ला कि बहुत सुघर बाड़ू तू, आ सब कहे ला कि बहुत सुघर बाड़ू तू, टोना लागे न काची उमरिया में, टोना लागे न काची उमरिया में। थैंक यू। अनिल जी का कहना चाहिए आप? मैं तो सबसे पहले सभी भोजपुरी श्रोता को नमस्कार करना चाहूँगा, और आज जो त्रिमूर्ति स्टूडियो ओपनिंग हुआ है, पहले भी हमारे उत्तर प्रदेश में मऊ जिला में पहले से ही है, और आज मुंबई में त्रिमूर्ति 2 समझिए इसको, तो त्रिमूर्ति 2 मुंबई में आज ओपनिंग हुआ। तो मैं सभी सिंगरों से गुजारिश करूँगा कि इस त्रिमूर्ति स्टूडियो में आएँ और अपना अच्छा अच्छा सॉन्ग गाएँ, और हमारे राज भाई को अपना तार आशीर्वाद दें, और सभी भोजपुरी श्रोता को अच्छे से अच्छे सॉन्ग मिले, ताकि सभी को हम लोग इंटरटेन कर सकें और उनकी मनोबल को ऊँचा कर सकें, और भोजपुरी को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हम लोग गाना, और उनके बीच में अच्छे गाना हम लोग दे सकें। मैं यही गुजारिश करूँगा सभी से, सभी सिंगरों से और राज भाई से, कि अच्छा सॉन्ग बने, ताकि सभी भोजपुरी श्रोता को अच्छा अच्छा गाना सुनने को मिले। तो आप कितना सहयोग कर रहे हैं? कितना? मैं तो बिल्कुल सहयोग कर रहा हूँ, और मेरा भी गाना यहाँ पे आएगा ही, और बाकी मोहन भाई हैं और सारे सिंगर हैं, नीलकमल हैं, यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं, सबका सॉन्ग यहाँ से आएगा। त्रिमूर्ति से पहले भी गा चुके हैं इस स्टूडियो से, जो मऊ में था पहले, और ये तो दूसरा स्टूडियो त्रिमूर्ति 2, तो यहाँ से भी सभी लोग, क्योंकि पहले मऊ में था तो यहाँ के सिंगरों को जाने में सुविधा लगता था थोड़ा मुंबई से, क्योंकि सारे सेलिब्रिटी सिंगर लोग अक्सर करके मुंबई में ही शिफ्ट हैं, तो सारे लोग को अभी थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा कि हाँ आके आराम से गा सके, और सभी लोग की अच्छी सुविधा की गई है। तो मैं कहूँगा सभी सिंगर आए और अपना वहाँ पर गाना गाए। महीने में फिल्मों का गाना हम लोगों का रिकॉर्डिंग होता है, जैसे मैं ही गाता हूँ अभी, तो 4 से 5 हज़ार कम से कम गाने गा चुके होंगे,
भोजपुरी फिल्मों में, तो उसमें जो भी महीने में 15 गाना मैं गा रहा हूँ, 20 गाना गा रहा हूँ, 25 गाना गा रहा हूँ, तो उसमें से कोशिश करूँगा कि आधा इस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो और ताकि इस स्टूडियो का प्रचार प्रसार हो। और मोहिनी जी है साथ में, मोहिनी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी सिंगर हैं और अभी देवरिया जिला इनका घर है, अभी गए थे माँ मठिया धाम हम लोग साथ में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ वहाँ, खूब हम लोग झूम के गए। और अनिल भाई तो सबको लेके चलते हैं, खड़ा कर देते हैं सारे सितारों को। जी आपके आने वाले गानों की बात की जाए तो लेटेस्ट अभी होली में गर्दा गर्दा हुई ये गाना आया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका और बहुत ही मस्त बज रहा है। और ये गाना वीडियो भी जाने वाला है 4-5 दिन में मार्केट से। मोहिनी जी आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडियो को अपनी माँ पाई? सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा प्रणाम और बहुत बहुत बधाई है मुझे इसके, जो भी करता धरता है हमारे अनिल जी उनको भी, और हमारे राज भैया जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई है। तो सबसे बड़ी बात है, हम सिंगर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, घर का स्टूडियो हो गया हमारे हमारे घर का स्टूडियो हो गया है, तो हमारी जब इच्छा होगी हम लोग का गाना बजाना होता तो है। मुंबई और मऊ दोनों जगह पर जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उधर के ही हैं, देवरिया जिला से मऊ कितनी दूर है, यहाँ भी अपना ही स्टूडियो है। तो बस आपका लेटेस्ट कौन सा गाना भी आने वाला है? अभी मेरा बड़ा ही अच्छा एक भोजपुरी आने वाला है, अभी कोयल बोली बगिया में, कोयल बोली बगिया में शोर हो गए सैया, बताखियाँ खोली अजोर हो गए, बल मुझे अब ताखियाँ खोली अजोर हो गए। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आने वाला है और आप सभी सुनेंगे और प्यार देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मोहन राठौड़ जी आज हमें साथ में आई और मैं इनके बारे में क्या कहूँ, बहुत बड़ा नाम है ये मोहन जी और आलोक जी, दो लोग ऐसे सिंगर रहे हैं जिनको मैंने स्पेशली सुना है क्योंकि इनके गीतों की बात ही अलग है। एक तो इतनी अच्छी रेंज, इतनी अच्छी आवाज़ और खांटी भोजपुरी को लेके ये हमारे आगे बढ़े, तो ये हमारे भोजपुरी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू मैडम। संतोष फोटो भी क्लिक कर लेंगे।
आप क्या कहना चाहेंगे आज जो स्टूडियो की ओपनिंग है इस स्टूडियो के बारे में? पहले तो हवाई दा कैमरा सेंटर सर पहले तो राहुल स्वागत बाटे सब चैनल में और का कह चाहो जो नई शुरुआत भेल नए स्टूडियो के। देखिए सबसे पहले जितना भी हमारे श्रोतागण हमन और भोजपुरी के चाहे वाला भोजपुरी के सुने वाला सब लोग के हम प्रणाम करतनी जे भी भोजपुरी के चाहे वाला श्रोतागण हन। और जहाँ तक बात बा ये स्टूडियो के त्रिदेव स्टूडियो के त्रिमूर्ति सॉरी जना स्टूडियो के ओपनिंग है आज ये त्रिमूर्ति स्टूडियो में जहाँ हमनी के बैठल बनी जा ये स्टूडियो के जे म्यूजिक डायरेक्टर हमन राज गाजीपुरी जी बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं राज भैया और हमने तो कभी उनके साथ अभी तक काम नहीं किया है लेकिन इसका कारण हो सकता है कि वो मुंबई में नहीं थे और मुंबई में आ गए हम तो हमने के साथे काम कर जाई और गाना उनका काफ़ी सुनने हैं जो भी उनका कंपोजिशन होला जो भी उनका अरेंजमेंट होला और जो गाना बनावे लें मतलब एकदम लागे ला कि यार क्या सुनने एकदम मतलब रूह तक उस गाने में बसी होती है जो बनाते हैं गाने। तो अब ऐसे बड़का चीज़ कहा हुई कि बम्बई में उनका ब्रांच खुलल है और हमने के सौभाग्य रही कि साथे काम करब तो ये हमने के शुभकामना बाय स्टूडियो खातिर। और बनारस से चलकर हम विश्वजीत विशु हमारे छोटे भाई हैं और इनका परिचय मैं कराता हूँ। विश्वजीत विशु जी से मुलाकात एक इत्तेफाक थी हमने के इनका गाना सुनत रही यूट्यूब पर गाना तो उस समय हमें को फिल्म करत रही जो ना फिल्म के नाम रहे जुनून तो अधिकांश मतलब अक्सर जुनून फिल्म में गाना लिखे खातिर हमारा फोन आयल गुरु भैया के कि एक फिल्म करा था नियोजित जुनून में गाना लिखे गया चंदन भैया डायरेक्टर हैं तो हमने पूछा कि भैया हीरो के है जुनून के तो विश्वजीत विशु का हम यूट्यूब पर इनका सर्च कहीं उससे पहले हम ना जाना था इनका तो यूट्यूब पर सर्च कहीं तो काफ़ी सारा गाना मिलल और उम्मीद नहीं थी कि जो कंपोजिशन हमने बनाया था उस फिल्म में उसमें मेरे 6 गाने थे और उस फिल्म का एक मेलोडी गाना बना था जो पवन जी के अलावा इस इंडस्ट्री में कोई गा नहीं सकते थे उस गाने को तो मतलब उम्मीद नहीं थी ये गाना बना और रिकॉर्डिंग तक मैं घुंगरू भैया से सवाल करता रहा कि भैया गाना तो बहुत अच्छा बन गया है लेकिन आजकल जो यूपी बिहार के सिंगर आते हैं गंदे गाने गा के और ये पता नहीं निभा पाएंगे कि नहीं विशु भाई ये उम्मीद नहीं थी। और जब हम लोग फाइनली ये गाना रिकॉर्ड करने गए खुशबू जैन जी डुएट की और जब ये गाए माइक पे तो मतलब एक शौक सा लगा कि यार ये लड़का इतना अच्छा गा रहा है तो वो इत्तेफाक थी। और उस गाने के बाद मैंने उस फिल्म में जब कंटिन्यू एक होता ना कि मूड मिला मिजाज मिला तो हमने 4 गाने और बनाए और वो 4 गाने भी इतनी ब्लास्टिंग गाने बने अभी होली के बाद फिल्म आने वाली तो सब लोगों को पता चलेगा। तो ये हैं विश्वजीत विशु जी जो मतलब एक छुपे हुए बम का गोला है जो हमेशा फायर नहीं होते औरों की तरह और लोगों में तो होता है कि कहीं भी फायर हो जाते हैं लेकिन ये वो गोला नहीं है टाइम आने पे फायर होते हैं। और हाँ और दूसरी बात कि एक और बात हम कहा सारे ब्लॉकबस्टर गाने बनाए हैं हमारे कंपोजिशन को लेके हमारे लोक धुन को लेके तो हम लोग भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं क्यों क्योंकि अनटैलेंटेड लोग यहाँ पे इतने भरे पड़े हैं जिनको कैमरा का नॉलेज नहीं है वो अपने आप को इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट डायरेक्टर और जिनको आज तक स्केल का नॉलेज नहीं है वो अपने आप को इंडस्ट्रीज का सबसे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम लोग एक दूसरे की निंदा ना करते हुए डायरेक्टली फोकस करना चाहिए हमारे वर्क पे कि हम इंडस्ट्रीज के लिए अरे आप इंडस्ट्रीज के लिए मत करिए आप अपने लिए करिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी इंडस्ट्रीज के आगे बढ़ने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे हमारे आगे बढ़ने से इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी। तो सब लोग को एकजुट होकर एक नयापन एक साफ सुथरा आज एक ज़माना था कि औरतें सबसे ज़्यादा ऑडियंस हुआ करती थी भोजपुरी फिल्मों की लेकिन आज और मतलब औरतों के नाम पे उनकी परछाई तक को भोजपुरी का नाम बता दीजिए। इनफैक्ट यहाँ तक की बात बता रहा हूँ कि हमारे कुछ नहीं ऑलमोस्ट सारे स्टार की बात करता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि गाना बना है हाँ गाना बना है बहुत अच्छा गाना है और मीडिया में जब दो लाइन बोल दीजिए उनको ये गाना गा के सुना दीजिए क्या गाना है तो वो एक ही बात बोलेंगे ऐसा करके कुछ आया था। अरे जब आप ही नहीं बोल पा रहे हो तो क्यों ऐसा काम करते हैं तब मत करिए मत गाइए मत बनाइए तो क्या आप गंदगी परोसने के लिए दूसरे को सुना रहे हैं। साला एक ऑडियंस हमारे जो गाने का जो ऑडियंस है हेडफोन लगा के घर में गाने सुनते हैं गलती से अगर चैनल हमारी भोजपुरी चैनल किसी घर में चालू होता है अगर बेटा देख रहा है तो बाप आके बोलता है क्या कर रहा है चेंज कर इसको ऐसी रिपीटिशन हो गई है हमारी जबकि लोग सोच नहीं रहे समझ नहीं रहे हैं। लोगों को चाहिए व्यूअर लोगों को चाहिए व्यूअर और कंपनी वाले को चाहिए पैसा
कंपनी वाले को हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता कुछ नहीं चाहिए। अब इतना बोल नहीं पता नहीं बात कितना लोग के फ़ोन आई बिहान से बहुत सारा चीज़ हुई। चलिए खैर सब लोग कह ले कि साफ़ सुथरा इंडस्ट्रीज होके के चाहिए, मतलब गंदगी मुक्त भोजपुरी होके के चाहिए, लेकिन उनकर खाली आवाज़ रहेला कैमरा के सामने पहला कदम उठाना नहीं चाहेंगे। आवाज़ हर कोई उठाएंगे लेकिन पहला कदम उठाएंगे नहीं, क्यों? उनको डर लगती है, उनके अपने ऊपर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मेरी मार्केट ख़त्म हो जाएगी, मैं पैसा कहां से कमा पाऊंगा, मेरी फिल्में नहीं चलेगी। जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इंडस्ट्री को क्या सुधारेंगे? मत करिए, छोड़ दीजिए, जो कर रहे हैं वही करिए। फिर क्या आपको हक ही नहीं बोलने का कि इंडस्ट्री गंदगी में चल रही है, इंडस्ट्री में गंदगी परोसी जा रही है, इंडस्ट्री गंदा है? चलिए अब विश्वजीत विश्वजीत से कुछ बात किया जाए। सबसे पहले जितने भी चैनल्स यहाँ पे हैं, भोजपुरी अड्डा, प्लेनेट भोजपुरी, टोटल ऑडियंस, महुआ प्लस, चैनल का नाम बदल दीजिए। मैं विश्वजीत विशु आप सभी भोजपुरी श्रोता समाज को यहीं से पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। स्टूडियो की ओपनिंग हमारे उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िला से म्यूज़िक डायरेक्टर राज गाजीपुरी जी, जो कि बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और आज मुंबई में उनका स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है। स्टूडियो का नाम है त्रिमूर्ति स्टूडियो, और भैया को बहुत सारा शुभकामना मेरे तरफ से। बनारस से नहीं चल के आए हैं? अरे बताओ ना, बनारस से आए हैं स्टूडियो के लिए। अच्छा, ये तो मतलब ये है, इसको काट दीजिएगा, कट जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप अपना समय निकाल करके यहाँ पे आए? यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे जगह पे बहुत अच्छा लगता है जब सारे कलाकार एकजुट होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए अच्छा लगता है तो फिर कहीं भी जाने, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाने का मन करता है। और टाइम क्या निकालना है, सब तो आशीर्वाद है, इन्हीं लोग के वजह से हूँ, तो इन लोग के लिए टाइम नहीं निकाला जाएगा तो कैसे होगा। आप सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, एक्टर आप फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे, गाने कौन कौन आने वाले हैं, नए लेटेस्ट, और फिल्म कौन सी आपकी आने वाली? मेरी अभी एक अपकमिंग मूवी है, फिल्म का नाम है जुनून। फिल्म के डायरेक्टर चंदन सिंह जी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर घुंगरू जी हैं, और राइटर हमारे अजीत मंडल जी हैं और मुन्ना दुबे जी हैं। फिल्म बहुत जल्दी आ रही है, थोड़े से प्रॉब्लम की वजह से रुकी हुई थी, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट होगी और अब डायरेक्ट पर्दे पे आएगी। और गाने कौन कौन मिले थे चलने वाले? गाने अभी मेरे वेव म्यूज़िक से लोकगीत आने वाले हैं, लोकगीत गाने बहुत सारे, और अभी होली की रिकॉर्डिंग मेरी चल ही रही है, जब होली की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आएगी, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ऑडियंस के लिए, ऑडियंस से यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे सबको प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं आप लोग, वैसे हमको भी दीजिए, और बस ऐसे ही आशीर्वाद जितना आप लोग बनाए हैं बहुत मेरे लिए है, ऐसे ही बनाए रखें। बचपन से आप इनको जानते हैं, आप इनको अपना छोटा भाई मानते हैं, आपको बड़ी दीदी मानते हैं, तो इनकी बचपन की कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे, खासकर जब गायकी की इन्होंने शुरुआत किया था पहली बार? बिल्कुल, एक मोमेंट ऐसा था, हम लोग 2013 में, आई थिंक 13 ही था, 12 या 13 में ही हमारा एक शो आता था दूरदर्शन पे, माटी के बोल, उसमें विशु हमारे काफ़ी छोटे थे, अभी तो बहुत बड़े हो गए हैं और अब तो लीड भी कर रहे हैं ये फिल्मों में, तो जरा छोटे से थे और उसने एक गाना बड़ा ही प्यारा ये गाना गाते थे, कितना बताएं, ऐसे ही था ना, कितना बताएं सुख ससुरा के गोरी हो, तो वो ये इतना सुंदर गाते थे, लेकिन हमारे विशु इतने से थे और इनको जब गाते गाते पता नहीं कोई मोमेंट का याद नहीं है, ये रो रहे थे, तो हमारे डायरेक्टर सर ने बोला था बेटा विशु जी तुम चुप हो जाओ तो तुम्हारी शादी मोहिनी दीदी से ज़रूर करा देंगे। हाँ ये तैयार थे उस टाइम में, छोटे से विशु हमारे, बहुत अर्जेंट होना। अरे मेरा विशु उस गाने को एक बार आप सभी के बीच में सुनाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, काफी टाइम हो गया मुझे सुने हुए।
और कितना बताई सुख ससुरा के गोरी रे, कितना बताई सुख ससुरा के गोरी रे, कि सैया हुए चांद हमार हम हई चकोरी रे, कि सैया हुए चांद हमार हम हई चकोरी रे, कितना बताई सुख। थैंक यू। मोहिनी जी साथ देना चाहिए गाने में, मुखड़ा ही साथ दे। अरे सासू जी के दिल जैसे बदरा के पानी, हीरा और मोती जाने, जेठी और जेठानी, हीरा और मोती जाने, जेठी और जेठानी, सासू जी के अखिया हम हई चकोरी रे, सैया हमें चांद हमारे हम हई चकोरी रे, सैया हमें चांद हमारे हम हई चकोरी रे। क्या बात है। विशु जी, जो बचपन की तुमने जो वो गाने के मोमेंट में शादी को लेकर के, अब वो सोचते हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी अभी भी मैं इनसे बहुत छोटा हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। और इनको मैंने जैसे उसमें एलिमिनेशन राउंड जब चल रहा था तो मैं एलिमिनेट हो गया था, थोड़ा सा कुछ हुआ था प्रॉब्लम। हाँ, रात भर एपिसोड की शूटिंग चल रही थी, ज़्यादा रो रहे थे, बहुत छोटा सा था तो मैं चुप रहने गई। तो अभी आपको इसमें कितना है दम के कुछ सीन में भोजपुरी की लुलिया नाम से फेमस निधि झा के साथ कुछ ऐसे सीन वायरल हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जुनून, जुनून इतना दम नहीं था जुनून में, तो क्या बोलूं उसके लिए। नहीं, अब जैसे वायरल हुआ है कुछ फोटोज और काफी उसमें आपके शूटिंग की। हाँ जी, तो कर दिला महाराज। अच्छा विशु जी, बात करें जो है जैसे कि वो पहली बार आपको शादी का ऑफर, उसके बाद भी आपको दोबारा कभी? नहीं, वो सिर्फ रोने में थोड़े मेरे विशु इमोशनल हो गए थे। मैं बहुत रोया था और उसी दिन हम लोग की आखिरी दिन मैं गई थी चुप कराने, उसके बाद बहुत लॉन्ग टाइम बाद हम लोग मुंबई में मिले। आज हम लोग मिल रहे हैं कम से कम। नहीं, एक एक एल्बम में हमने साथ में गाया भी था, बोलबम का गाना था, तीन आई थिंक 3 साल पहले। अभी आप दोनों लोग मुंबई आ गए हैं तो साथ में दोनों भाई बहन? हाँ, अभी अभी हम लोग बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। वो छोटा विशु जो आपके वीडियोस में रोया करता था और आज इतना बड़ा हो गया इंडस्ट्री में, काफी सारे हीरोइनों के साथ अभी फेमस हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगी कितना भी बड़ा हो जाएगा रहेगा मेरा छोटा भाई, तो मैं तो ये चाहूंगी कभी भी कोई भी बहन हमेशा ये चाहेगी कि उसका भाई बहुत नाम कमाए, बहुत शोहरत पाए और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करे, बहुत अच्छे अच्छे गाने करे, और जहाँ जरूरत होगी हम दोनों भी साथ में गाएंगे। और मैं एक गाना भी, मेरी एक रोमांटिक गाना आने वाला है जिसके राइटर हमारे अजीत मंडल जी हैं, दो लाइन सुनाना चाहूंगा। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बोलता है कि कबहू गम के रात के रानी, कबहू रजनी गंधा जब तू निकले लू, कि कब कबहू गम के रात के रानी, कबहू रजनी गंधा जब तू निकले लू, चमके सूरतिया जैसे चंदा जब तू निकले लू, चमके सुरतिया जैसे चंदा। ये गाना भी हमारा आने वाला है। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे आपको सुनकर? ऑडियंस से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप सबके घर का बेटा हूँ मैं, तो आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। जैसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी मेरे आदर्श जितने भी स्टार हैं, उतना प्यार दीजिए कि मैं उन लोग से बड़ा तो नहीं, कभी नहीं बन पाऊँगा, लेकिन उन लोग के साथ मेरा भी नाम जोड़ा गया, इतना प्यार दीजिए बस यही हाथ जोड़ के। एक नए स्टूडियो को ओपनिंग हुआ और आप सिंगर हैं, तो कितना खुश की बात है और कितना शुभकामना और साथ सहयोग देना चाहेंगे इस स्टूडियो? सबसे पहले हम हमारी तरफ से राज गाजीपुरी जी को स्टूडियो की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत नामी जो है कलाकार हैं, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं,
बहुत अच्छा नाम रहा है इनका, बहुत बड़े अच्छे अच्छे गाने इन्होंने बनाए हुए हैं। बनारस से इन्होंने बॉम्बे में स्टूडियो खोला हुआ है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। और ख़ास करके हमारे लिए अच्छा ये है कि हम यहाँ बॉम्बे में रहते हैं, हमारे बहुत नज़दीक 1 किलोमीटर दूरी पर है, तो हमारा आना जाना अच्छा रहेगा। और आपकी जैसे फिल्म रिलीज हुई है, क्या करना चाहिए, दर्शकों का कितना प्यार दिलाव मिल रहा है? सबसे पहले धन्यवाद करूँगा हमारे जितने चाहने वाले हमारे दर्शकों को, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मैं जो है कल खुद थिएटर गया था नवरंग सिनेमा, और बहुत अच्छी ओपनिंग रही है, हाउसफुल शोज चल रहे हैं जो है, और कुछ मेरे काफ़ी फैंस ने मुझे फ़ोटोज़ भेजे थे अलग अलग थिएटर्स के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। राजी हैप्पी राजी हैं साथ में, वो भी आई हैं शुभकामना देने, क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे बहुत अच्छी दोस्त हैं हैप्पी जी, आपने बहुत पहले साथ में एक दो बार शोज़ किए हुए हैं, बीच में लोग का कुछ प्लानिंग हो रहा था भाई चलो कुछ गाना किया जाए, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मुलाकात हुई है, तो उम्मीद करते हैं कुछ साथ में कभी किया जाएगा। जी हैप्पी जी, और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भोजपुरिया दर्शक को हैप्पी राय की तरफ से नमस्कार, और 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी की तरफ से। एंड आज तो हम आए हैं कि स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है, राज गाजीपुरी जी गाजीपुर के रहने वाले हैं और मैं खुद भी गाजीपुर से हूँ, तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी उनको। और हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं भोजपुरी के दर्शक लोग और सिंगर लोग, बहुत सारे सिंगर हैं, मैं चाहूँगी सब लोग इनके स्टूडियो से गाएं, और जैसे जैसे इन्होंने तरक्की करके मुंबई में आए वैसे ही इनका सिक्का जमना चाहिए मुंबई में, सबसे पहले उनके लिए कहना चाहूँगी। एक्चुअली मैं तो सिंगर ही हूँ, बट लोग मुझे देख के एक्ट्रेस बना दिए, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली मुझे मॉडल टाइप से रहने का शौक़ है, मॉडलिंग करने का शौक़ है, एक्टिंग करने का उतना कोई शौक़ नहीं है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्टिंग करने का चांस ऐसा मिलेगा तो कर लूँगी, क्योंकि वो भी मुझे आता ही है। देन सिंगिंग की बात है, तो सिंगिंग में मैंने अभी फ़िलहाल में तो जब फर्स्ट शुरुआत किया मैंने तो भोजपुरी से शुरुआत की थी, फिर अभी फ़िलहाल में मैंने 2-3 लैंग्वेज में गाने गाए हैं, पंजाबी में गाए हैं, हरियाणवी में गाए हैं, एंड हिंदी और भोजपुरी। अभी मेरा लेटेस्ट एल्बम है सनम बेवफा, जो कि मैंने खुद की अपनी कंपनी बनाई है हैप्पी रैप प्रोडक्शन, उससे मैंने रिलीज़ किया है, और हाँ सुना देंगे। दर्द दिल का बता कर ये क्या होगा, दर्द दिल का बता कर ये क्या होगा, यार जिसका सनम बेवफा होगा, यार जिसका सनम बेवफा होगा, दर्द दिल का बता कर ये क्या होगा, इश्क के आग में वो जलाते रहे, कह के पगली दीवानी बुलाते रहे, इश्क के आग में वो जलाते रहे, कह के पगली दीवानी बुलाते रहे, उसके जख्मों का जहर दवा होगा, उसके जख्मों का जहर दवा होगा, यार जिसका सनम बेवफा होगा। थैंक यू। भोजपुरी में कुछ गाना चाहेंगे? भोजपुरी में अभी तो मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, तभी मैं सोचती हूँ, अभी जस्ट मैं वैलेंटाइन डे पे एक गाना गा रही हूँ, डू यू लव मी, मेरे एल्बम का नाम है डू यू लव मी, हाँ तो मेरे एल्बम का नाम ही डू यू लव मी है, जो कि वैलेंटाइन डे के दिन रिलीज होगा मेरी खुद की कंपनी से। और भोजपुरी में कौन सा गाना सुनाऊँ मैं? ये अजीत मंडल जी हैं, इन्होंने गाना लिखा था मेरे लिए, टीएफ कंपनी से रिलीज है, बुलाएंगे अजीत जी? बुला लीजिए अजीत जी, आइए आइए प्लीज आइए, आपका स्वागत है, आइए। और ये हैं अजीत मंडल जी और राज यादव जी, हम लोग तो जल्दी है, एक्चुअली मैंने सोचा मैंने फोटो पोस्टर का फोटो शूट मैं और राज यादव साथ में करेंगे वैलेंटाइन का,
ये अजीत मंडल जी इन्होंने गाना लिखा था, मतलब काम अब देखा, भोजपुरी में बहुत बढ़िया गाना लिखा इन्होंने, टीएफ कंपनी से रिलीज हुआ है। मैं एक लाइन सुनाऊंगी इसको। तोहके भुला के केहू के ना हो पाई, लगता कि हम मर जाई। तोहके भुला के केहू के ना हो पाई, लगता कि हम मर जाई। तोहे पावे खातिर हद से गुजर जाई, लगता कि हम मर जाई। का था काफी दर्द भरा गाना, आपने गाया भी काफी दर्द भरा था। और ये गाना गीत लिखने के पीछे रीजन क्या है? नहीं, दर्द भरा मतलब जो गाना सुना बड़ा दर्द भरा था, ये दर्द भरा गीत आपके कलमों से कैसे? ये एक्चुअली हम लोग तभी हम लोग शायद फोर्ट बंगला महाड़ा स्टूडियो था, MBS स्टूडियो, हमारे बड़े भाई हैं करण भाई जी, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये गाना बनाया था। उस समय मैं हैप्पी जी का नाम सुनता था और फर्स्ट वर्क था शायद हमारा, तो हम लोग वहाँ मिले थे और इस गाने को वहाँ पे बनाया था। और ऐसा कोनो बात ना कि दर्द भरा गाना लिखे तो हमारा दिल टूटल होके या चाहे कोनो लड़की धोखा दे ले। और अभी इनका खातिर भी एगो सैड सॉन्ग कहीं नहीं है जो अभी बहुत जल्द नहीं है तो अपने सच्चाई का बताएं यार, जब कोनो बातें ही सुनना सच्चाई का बताएं। मतलब ये प्रेशर डालना होगा, ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम सैड सॉन्ग बनाते हैं तो उसके पीछे हमारी रियल जिंदगी को जुड़ी होती है, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, हम लोग शोहरत के लिए काम करते हैं, वो नहीं कि हम दिल टूट गया तो हम अताउल्लाह खान जी थे जिन्होंने अपने प्यार के मतलब क्या कह लग रहा है, जिन्होंने एक मतलब ब्रेकअप होने के बाद जिनका दिल टूटा और जेल में हुआ, उन्होंने अपने प्रेमिका को मार दिया दूसरे से शादी करने के चक्कर में, और जबकि उनकी प्रेमिका की शादी दूसरे किसी और से हो रही थी, उन्होंने खुद जाके उनको मार दिया, फिर जेल में गए और वहाँ जाके वो खाली बेवफाई का गाना बनाने। तब का ज़माना और था और अब का ज़माना ये नहीं है। अब का अब रियल प्यार, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि रियल प्यार कुछ है आजकल, प्यार कुछ नहीं है, प्यार के नाम पर हवस है, तो आजकल ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बस हम लोग काम करते हैं अपने ऑडियंस को खुश रखने के लिए कि हमारी ऑडियंस क्या मांगती है, क्या चाहती है, बस उस पर हम लोग गौर करते हैं। और अभी राज भाई रियल प्यार के बारे में बता रहे, रियल प्यार तो यार मौके ना मिल करे कि रियल प्यार करी, मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। मैं रियल प्यार हुआ था मुझे जब मैं पहली सिक्स टू नाइन्थ टेंथ क्लास में था तभी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसको जाके हम बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डू यू लव मी बोल देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तो मतलब डर होती थी ना उस समय उसके, क्योंकि हमारे स्कूल में क्या हो जाता था, कुछ कुछ लोग उस समय टेक्नोलॉजी उतनी हाई नहीं थी, फिल्में उतने लोग नहीं देखते थे और मोबाइल नहीं थी, तो एक जो हमारे दोस्त थे तो उसने किसी अपने लवर को पेपर में लिख के कुछ दिया था, तो बाद में पेपर पकड़ा गया तो सारे स्कूल के जितने भी उस क्लास के लड़के थे सबका राइटिंग चेक हुआ, फिर उसके बाप आए लगे मारने, तो अब मार के डरे प्यार का, सोनी देवल है कि जाके भाई बाप के मार के उठा के ले आई, तो ऐसा कुछ ना रहे, तो मतलब कहे कि हिम्मत ना भाई चार साल, लेकिन हाँ शायद इसको प्यार बोलते हैं पहला, मतलब वन साइड लव, कि जब वो आती थी स्कूल में तो ऐसा लगता था कि हाँ पढ़े बैठे रहें, जब वो नहीं आती तो मन नहीं लगता था, छुट्टी के बाद जाने का दिल नहीं करता था, लेकिन कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई, तो वही प्यार ऐसे ही दफन हो गया। आज जो इंटरव्यू देख रही होंगे अब का, अब कहीं लड़को रही हैं, अब का इंटरव्यू देखिए अब कहीं, हाँ लेकिन ये कहीं है कि अब जो ना लड़का के शायद हम ना देख पाए, नहीं आज इंडस्ट्रीज में एक जनरल राइटर है शायद, तो गर्व होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अब कहीं अब बच्चे की माँ होंगी, अब अपना पति घर बार संभाल रही होंगी, ठीक है जहाँ भी देख रही होंगी, आज मैं बोलता हूँ कि सही में बहुत आपसे प्यार किया करता था उस समय, लेकिन दीवानगी आज भी वही है, कभी कभी सोचते हैं तो डिस्क्लोज कर दीजिए। नहीं नहीं, नाम कहाँ के हम, अब क्या करिए, अब नाम डिस्क्लोज करके, चलिए अब ऐसा ही एक और सैड सॉन्ग हमारा आवा था तुरंत अब राज भाई खातिर, और राज भाई की फिल्म जो रिलीज हुई है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है बिहार, और फिल्म जो आई है इनकी राम अली, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, पूरे बिहार में रिलीज़ हुई है और मुंबई में रिलीज़ हुई है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जो लोग ना देख ले वन लोग जाके देख लें एक बार फिल्म के, बहुत ही साफ़ सुथरा और कुछ अच्छे करने की कोशिश की गई, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा किया है, इन्होंने कुछ अच्छे करने की कोशिश की है, तो अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो वो कोशिश मतलब हकीकत में बदलेगी, तो आप लोग देखिए यंग जनरेशन जितने भी हैं, हम लोगों ने कुछ ठाना है सब लोग मिलकर कुछ नया करेंगे, यंग जनरेशन जो भी हैं
ताकि वो ऑडियंस हमसे जुड़े, क्योंकि यंग जनरेशन जो है हमारे भाषा से कटते जा रहे हैं, यूपी बिहार या जो भी हमारे दर्शक हैं यंग जनरेशन, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न में भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंग्लिश गानों में भाग रहे हैं या बॉलीवुड में भाग रहे हैं या हॉलीवुड में भाग रहे हैं। तो हम अपने इंडस्ट्रीज में ही कुछ ऐसा करें ताकि वो हमसे जुड़े रहें, तो हमने कोशिश किया है, आप लोग उसको पूरा करेंगे। आप लोग जाइए फिल्म को देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है और एक पूरा फुल ड्रामा फिल्म है, एक्शन है, रोमांस है, अच्छे गाने हैं, बल्गर गाने नहीं, अच्छे गाने हैं जो हम लोग चाह रहे हैं। और इनका भी एक सैड सॉन्ग बताना भी बताइए कि हमारा तो सवाल करते रहे कि अब कहाँ दिल टूटलवा, हम तो खाली निकले हैं, सैड सॉन्ग अभी नहीं बताएं क्योंकि सैड सॉन्ग भी आने वाला है। उससे पहले एक इन्होंने गाना लिखा है भैया मूव करी है हमें, वाह वाह वाह, जो कि बहुत अच्छा बजा कर 17-18 कुछ आई थी है एक हफ्ते में, और बाकी तमाम और गाने हैं। अभी एक गाना मेरा लेटेस्ट कल एक गाना रिलीज हुआ है, एल्बम का नाम है राजा जी, बहुत अच्छा सॉन्ग है, एक लाइन सुना देता हूँ। हजी तो हजा सिवाना बाटे काम हम के कौनो, देहले ना दवाई होया राम हम के कौनो, धहिले धहिले जाम होई पछताई बा राजा जी, हाँ पछताई बा राजा जी, आई जवनिया के जहाज का बुढ़ाई बरा जजी हो ई जवनिया के जहाज। ये मेरे ऑफिशियल चैनल से रिलीज हुआ है, राज यादव ऑफिशियल से, और बाकी तमाम गाने और भैया के बहुत अच्छा गाना भैया ने लिखा था मूव करी है हमें, बाकी और ढेर सारे गाने हैं और कंटिन्यू ढेर सारी फिल्में भी आ रही हैं। तो आप सब बस यही उम्मीद है थोड़ा सा प्यार दुलार बनाए रखिए अपने भाई को। तो थैंक यू सो मच। स्टूडियो को ओपनिंग हुआ, अभी आपने ढेर सारे शुभकामनाएं दी, अपने बारे में बताया, तो अभी राज भाई जो स्टूडियो का ऑनर है वो भी हैं साथ में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारी तरफ से भैया को ओपनिंग की बहुत सारी शुभकामनाएं, उन्होंने यहाँ पे स्टूडियो खोला हुआ है तो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बिकॉज की बाहर से यूपी से आए हुए हैं और बॉम्बे में तमाम स्टूडियो और भी है, तो एक नए स्टूडियो की एंट्री हुई है, तो हम चाहते हैं जैसे सबका चलता है और उससे बहुत अच्छा भैया के स्टूडियो चले, बहुत आगे नाम करे भैया, बहुत अच्छा सा काम करे। कितना आप सहयोग सपोर्ट करने वाले हैं? मैं तो भैया का एक्चुअली बहुत नाम सुना हूँ, मेरी आज पहली मुलाकात है भैया के साथ, बट काफ़ी नाम सुने भैया, तमाम गाना किए हुए हैं, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा कुछ गाना भैया के साथ किया जाए। अंदर भाई आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडियो? मैं सबसे पहले अपने भाई राज गाजीपुर जी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा, क्योंकि दूसरी स्टूडियो है, एक स्टूडियो मऊ जिला में है, वहाँ पर बहुत अच्छा एक अपनी पहचान बना चुके हैं, और यहाँ पे दूसरी स्टूडियो है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ भी उतना ही अच्छा काम करें ताकि सारे सेलिब्रिटी आएँ और यहाँ उनके स्टूडियो में जाएँ और भोजपुरी का नाम करें। तो हमारे राज भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, सब आप लोग सबका प्यार चाहिए और प्यार है, तभी मैं मऊ से मुंबई आया हूँ और मुंबई में कुछ नया कुछ अच्छा करने का कोशिश करने के लिए मैं आया हूँ और करूँगा, बस यही। कैसा ख्याल है कि मुंबई में एक स्टूडियो होना? कुछ आइडिया है कि वहाँ पे जैसे कुछ जैसे करते करते हम थक गए थे, कुछ हो नहीं रहा था, आदमी अपने मिजाज में सेलिब्रिटी लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, और राज भाई को सेलिब्रिटी सिंगर चाहिए क्योंकि इनके अंदर जो टैलेंट है, हाँ बस सेलिब्रिटी के बीच लाना चाहते हैं जी। और कुछ लोग से सजेशन भी रहा होगा कि मुंबई आइए, कौन? नहीं, सजेशन है, अपने दिल की बात, बस दिल की बात है कि दिल बोला कि आप कहीं और सेट होइए, तो बस अब मऊ और मुंबई दोनों जगह स्टूडियो चलता रहेगा। जी जी, चलता रहेगा। हैप्पी जी, आपका कहना चाहेंगे राज भाई को? सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू आपके स्टूडियो के लिए। स्टूडियो का नाम क्या रखा है? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति स्टूडियो में, और सभी का स्वागत है, बाकी बहुत सारे सिंगर हैं, अनिल जी हैं, राज जी हैं, बाकी मैं भी आई हूँ, तो इनको मैं, इनका नाम राज गाजीपुरी है, तो मैं भी हैप्पी गाजीपुरी मैं खुद भी गाजीपुर से हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर मैं हम प्रतापगढ़ वाले हैं, यूपी से। मेरे भाई यूपी बिहार से सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं और काफ़ी आर्टिस्ट लोग भी आए थे, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे सारे लोग, सबके सपने होते हैं कि लास्ट सपना हर आर्टिस्ट का होता है कि मैं मुंबई में जाकर सेटल हो जाऊँ, तो आज इनका शायद ये सपना पूरा हो गया है मुंबई में आने का, देन मैं चाहूँगी कि जिस सपने को लेकर ये आए हैं उस सपना को साकार करें, बस। आप किस तरह सबको धन्यवाद, जो लोग आए आपको शुभकामनाएं, अभी आ भी रहे हैं सबको, मैं
सबको धन्यवाद ये कि मैं मेरे बुलाने पे सभी लोग आ गए और अनिल भाई का सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे पे है और इसके जैसे लोग आए सपोर्ट है कुल मिला के। बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से, बस यही दुआएं रहेंगे हमारी कि जैसे गाजीपुर नाम किए हैं उससे 10 गुना नाम बम्बई में करेंगे। और हम लोग के बीच भोजपुरी के सुपर स्टार तूफान लाल यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा उनको भी बुला लिया जाए और उसे भी दो सब त्रिमूर्ति स्टूडियो के बारे में कहा जाए। वैसे गाजीपुर के त्रिमूर्ति यहाँ पे मौजूद हैं। आइए तूफानी भाई, हमर कलर टाइट है काजी ये मिल जाए कब है पानी भाई अभी नहीं करत है मैं रुक जाए तुम त्रिमूर्ति स्टूडियो के राज भाई के तरफ से शुभकामना और बधाई देवल साहब का सहयोग हमके बहुत खुशी के बात भैया मऊ से आई लनी शायद ये ना पहुंच पाते या सब स्टार ना पहुंच पाते और भैया काम बहुत अच्छा बा काम के संग भैया के बिहेव भी बहुत अच्छा बा हम ऐसा भी नया कलाकार के प्रोत्साहित करना सपोर्ट करना तो हमने के ये आशा रही कि भैया इतने नया कलाकार के जरा अंदर हुनर बा उनका के जिसे आगे बढ़ावते ओकरा संगे संगे और भी कलाकार अपन सब आदमी लागल रहें भैया के सहयोग खातिर हमने के लमसम जे भी आयल बा दिल में यहाँ के प्रति प्रेम बा तबे आयल बा हमने के भैया खातिर दिल से दुआ देते हैं कि भैया ये बहुत नाम कमाई हमनियों के आशीर्वाद दी हमने कहल चाहे जा आज अभी एगो गाना रिलीज भैल बा चैनल पर भाई रौरो लगल चल में केहू गाड़ी गलौज मिले वाला बा ऐसे मिले वाला बा कि हम कब जातिवाद पर गाना ना गए एगो गाना गए भाई यादव जी के लैके उठा के लेके चल जाएगा इससे पहले ही मैंने आग लगे के पहले ही पानी की व्यवस्था करे पड़ी भाई केहू गरिया उरिया मत हमारा के बहुत लोग डिमांड कर ना भाई हई गाव गाना यादव जी पर गाव गाना ऐसे केहू खिसी आई ना रौरो फिर न्यूज आई तो सम्हारम ओकरा के गाड़ी उन्ना दे अब भैया खातिर हमने के हाथ जोड़ के विनती करम जाए सब कलाकार आई जा आ भैया से प्यार दुलार पाई जा भैया बहुत अच्छा काम कर दें वॉइस से लेकर के म्यूजिक तक मेलोडी दे दम सब अच्छा लगता है एम बनावटी बात नहीं है कोनो भी जे भी बोलते नेचुरल बोलते तूफानी भाई जैसे कि नाम बटे तूफानी लाल और ढेर सारा तूफान कैले बने गायके के माध्यम से कि तूफान कैसे इतना बड़ा कैले लेना आप देखिए हम कभी गायक ना रहें बहुत लंबा स्टोरी बा हम एगो छात्र रही नए सर पर पगड़ी रहत रहे वो सिंपल पढ़े वाला लड़का रहें बनारस शहर में पढ़त रहें PMT के छात्र रहें समय कैसन मोड़ आयल कि मतलब ये लाइन में कूदे के पड़ल बहुत लंबी स्टोरी बा कभी रौरा ही लाइन बही हमन भी कायल बही जाए रोज सबके आशीर्वाद रही तो सब बात विस्तृत कभी हो लेकिन हम ये कहल चाहब कि एल्बम के दौर में अल तो बचपाना रहे हमने के एगो जीदा जीदी में कूदू रह जाए बचपाना भी रहे ओकर बुझाइल ना कि हमने का करते जा जौन भी हमने के हॉट एल्बम बनल तो खातिर हमने के बहुत बार लाइव के माध्यम से भी क्षमा मांगल बह कि अब वैसा हॉट ना होल 2 साल से बंद कर चुकल बह लेकिन अफसोस भी एगो चीज़ के होखे लगे हमने के तो बचपना में कहीं जाए लेकिन भोजपुरी के तमाम स्टार ओकरा के प्रचलन बना दिले जौन हॉट के रहे हम भूल चूक से मतलब कि शुरू कर दिले रहे एक गलती से शुरू कर लें लेकिन उसको लोग मतलब पैटर्न बना दिया रियली बोल रहे हैं भैया उसको पैटर्न बना दिया कि हॉट सीन कीजिए इसमें बेनिफिट होगा ऐसे होगा वो तो सूझे बूझे इंसान थे वो तो प्रखर थे हैं ऊपर लेवल पे ऊंचाई पर थे लेकिन हम वो सब मतलब कि इंडस्ट्री में भैया रामचंद्र भैया ये देखे होंगे कि कोई भी एक मार्ग पकड़ के चलता है एक मार्ग पकड़ ये मतलब कि एक वे बना लिया कि हमको अच्छा गायकी से या इस जो भी मार्ग बनाता है लेकिन मैंने हॉट का मार्ग बनाया था उसको छोड़ करके मार्ग को छोड़ करके दूसरा रास्ता बनाए हो कि अच्छा वीडियो बना रहे हैं अच्छे लेवल का वीडियो बना रहे हैं काफ़ी खुशी हुआ हैप्पी न्यू ईयर में देखे हम कि तमाम लोग अच्छा अच्छा वीडियो बनाए तो सबको धन्यवाद भी दिए थे लाइव के माध्यम से तो अच्छा लगता है। अब आपका पारिवारिक गाना कौन आ रहा है? पारिवारिक गाना बहुत सारा लाइन में बा पारिवारिक गाना बहुत सारा लाइन में बा एक मतलब कि पारिवारिक गाना आवत तो बहुत लोग छूटते लेकिन रियली में अच्छा अच्छा गाना होता एगो पारिवारिक गाना मतलब बहुत अच्छा अच्छा होता लेकिन अभी एगो आयल बा जादू जी का लैका ये पारिवारिक नहीं खे सामूहिक ऑर्केस्ट्रा सामूहिक ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बा शादी ब्याह में मस्ती करे खातिर गावल गई बा तत्काल में अभी छूटल बा। सबसे लास्ट वाला सबसे हॉट जो वीडियो किए थे मतलब कब छोड़े कौन से गाने के बाद
एक हम हैप्पी न्यू ईयर किए थे 2017 में समुंदर में चार चार लड़की ले करके। हम कभी भी कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट नया मतलब कि इंडस्ट्री में लेके आए। ये नहीं है कि हम कलाकार नहीं थे, गायक नहीं थे, लेकिन गायक बने। लेकिन इतना हमारे अंदर जरूर मतलब ये अंदर से जहन में रहता है कि किसी को भी लेके आते हैं तो बिल्कुल रिदम पर रहे। आए गायक भी अपने समय में जब हमारा बिकी वो नाम था गवाते थे तो उसी लोगों को गवाए हैं जिसमें एकदम मतलब सुर ताल का पक्का ज्ञान था। तो कोशिश हम करते हैं कि अच्छे कलाकार लोग इंडस्ट्री में आएँ। यही रामचरण से हम बहुत कोशिश। पारिवारिक गाना दो लाइन सुना दी। पारिवारिक गाना आप कहिएगा तो पारिवारिक गाना हमारा करुआ चलाया था भीतर ज़्यादा, उसी एल्बम में पारिवारिक गाना हमारा था। लेकिन करुआ तेल भीतर ज़्यादा ये सब अंड बन वाला गाना करोड़ों में गया। लेकिन आज भी चंदा चैनल पर देखिएगा तो 24,000 मात्र है। एक मतारी पर गाना है गारे बोलें है कि हर की बचपन के कोयल धूला रे गई ले बबुआ, हर की में हरी के प्यार में अझुरा रे गई ले बबुआ, कि बचपन के कोयल धूला रे गई ले बबुआ। तो ये मतलब माता का अपने मतलब कि उस तरह का है, माता दुखित हो जाती है, लड़का मानता नहीं जब जवान होते, उसी पर आधारित था। बहुत अच्छा था लेकिन इसको नहीं प्यार दुलार मिला, उसको प्यार दुलार मिला। तो अब क्या कीजिएगा, जनता दिखाया कि वो पटरी पा के जाम मत जाइए रुकल रही हई पटरी खोल भी अध के चला जल्दी। मतलब आपका कहने का मतलब ये बात कि लोग सुनते हैं तब आप गाते हैं, ये सब लोग जानता है। हम क्या आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ऐसा है थोड़े कि हम एक जानते हैं, सब जानते हैं। नीतीश कुमार जी दारू बंद है बिहार में बंद है ना, और उस समय दुकान पर लोग जाते थे लेने के लिए। अब देखिए उससे महंगा मिल रहा है, घर में पहुंच जा रहा है, तब क्या कीजिएगा। हम लोग बंद किए, हम हॉट बंद किए हैं, लेकिन हॉट देखना बंद लोग कर देंगे, नहीं बंद करेंगे। जिसको जो चाहिए वो खोज लेगा, ढूंढ लेगा। हमको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, हंसी आता है, कहते हैं भैया कि हम पूरा पैसा हम लगा रहे हैं लेकिन वैसा वीडियो बनाओ भाई, तू बनाओ एकदम जोश ताकत दिखाते, एक बनाओ भाई हो तुम मेरे शेर हो बनाओ हो। अब हम क्या करें, हम कहते हैं कि भाई हम गीदड़ हो गए हैं, लेकिन हम वो वाला सीन नहीं करते हैं। अच्छा उस तरह जो आप आडियो वीडियो बनाते हैं तो उसमें कभी कोई पब्लिकली कुछ प्रक्रिया मिला है, पब्लिक रिएक्शन? हाँ, पब्लिक जैसे आप कभी स्टेज शो करने गए कोई पत्थरबाजी आपको? ना पत्थरबाजी वो हमारा लड़का देखते वो यानी कि मूर्त शंख लपेट के खुश हो जाला, से धूरी उड़ावे लगे, सोनी का आनंद मिल रहा भाई उनके लेकिन वो। हम कभी राजनीति वाला काम नहीं किए हैं कि पत्थरबाजी होगा रोड़ाबाजी होगा। कभी पब्लिक ने कभी मतलब एक्शन लिया जब मतलब पब्लिक कभी गया या किसी सिटी से? हमारा वैसा पब्लिक वैसा बोलाइबे ना कर ले, हमारा को वैसा पब्लिक बोलाइले जरा मजा लेबे करे। रियली बात। अच्छा आज एकदम आप पूरा पगड़ी वाली बात क्या है, पगड़ी वाली बात क्या है? पगड़ी भी हम हरदम बाहिन कोशिश ये रहेला अच्छा लगेला। ऐसा रो कमेंट में देखा दे कि पगड़ी खोल के वीडियो कल में तो गाड़ियों लिख लो कि चोकर छोड़ पगड़िया खोल के मौगा गुला का। अब बताइए हमार का दोस्त अभी का दोस्त मतलब आपके फैन चाहते कि आप पगड़ी हमेशा? हाँ, पगड़ी बांध ले रही, मोछी रख ले रही, मतलब भोजपुरिया लेखा लागो भाई, और केहू कब ऐसे हो तो ऐसे हो, तू कम से कम एगो पर तो हमेशा यही लुक रही आपके ना। क्रिया के लिए भी थोड़े गाना कर लेने की, अभी एगो हैप्पी न्यू ईयर का गाना आई रहा, पगड़ी एक जगह थोड़ा सा बांध ले, 19 में लव हुई अच्छा वीडियो रहा, 19 में लव हुई बिहारी फिल्म से रहा अच्छा वीडियो रहा, कम से कम 1 डे में 1 मिलियन देख ले रहा आदमी, तो अच्छा लगेगा, अच्छा काम के लिए बन जाए। हम कोशिश ये कर रहे हैं रामचरण भैया, रियली बात, फोटो वंटी बात नहीं बोल रहे हैं, अभी 50,000 का वीडियो बनाए थे उसमें। ये नहीं जाइएगा बिहारी फिल्म पर तो RCM मतलब कि 2 कहते हैं लोग बिहारी फिल्म को, लेकिन वो बेचारा पूरा DJ ट्रैक डिलीट कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इतना महंगा वीडियो बना रहे हैं। अभी आज ही रिलीज हुआ है यादव जी का लेकर, उसका भी वीडियो अच्छा बन रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं। हर तरह का गाना देंगे, खाली किसिंग सीन नहीं करेंगे, पारिवारिक भी आएगा, ऑर्केस्ट्रा वाला भी आएगा, वो सब सीन खाली छोड़ के। अच्छा जो आप बोले कि आप पढ़ाई कर रहे थे सिंगिंग इत्तेफाक का नाम, तो प्रेरणा कहाँ से मिली और कौन बड़े सिंगर या किससे प्रेरित होकर आप सिंगर बन गए?
हम किसी से प्रेरित होकर सिंगर नहीं बनते, हम सिंगर थे ही नहीं, हमको माइक में हलो कहने भी नहीं आता था, जो रियली बात है, माइक में हलो भी नहीं कहते थे। हम एक प्रोड्यूसर थे, पैसा लगाए थे, हमारा ओरिजिनल नाम बिक्की बोस था, तो पैसा लगाते थे, पैसा लगाने क्रम में फिर कुछ ऐसा मोड़ आया कि हमको गाना पड़ा, जिद्दा जिद्दी नहीं हो जाता है, उन लोगों को लगा कि बोले पैसा लगा सकता है, तो ऐसे दो तीन लोग धोखा, मतलब कि धोखाबाजी नहीं होती है कि पैसा लगवा लिए, मेहनत करवा ली, तो नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ भी वो लोग देख रहे हैं सुनेंगे तो उन लोगों को लगता है कि नहीं भाई के साथ नाइंसाफ़ी की है, नाइंसाफ़ी नहीं कर ये रहते ही बुलेटा बन के माइक के सामने बोली, इतना हमने इसन सिंगर को और बढ़ाई, इतना जरूर कहेंगे किसी भी सिंगर का एक पैसा खाए नहीं है। जब भी इंडायर थे हम, गौतम जी जब जिंदा थे, स्वर्गीय कुमार गौतम जी, तो उस समय वेव के हम इंडायर हुआ करते थे, बहुत कम समय रहे हैं, तो जितना भी काम किए हैं किसी पर पैसा लगा के आगे बढ़ाए थे, किसी का खाए नहीं थे, ऐसे इंडायर हम नहीं थे कि पैसा लाओ तुम्हारा कैसेट करा रहे हैं ये करे छः पाँच नहीं। तो बिक्की बॉस से फिर तो पानी लाल कैसे बन गए? अब गायकी करने लगे तो भाई हम भी देखे पानी वाला काम करने लगे लाल लगा ले नहीं बिक्की बॉस लिखे ना तो कोई कहेगा भाई डाउनगिरी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हमारा नाम, मतलब हमारा असली नाम रखा, असली आईडी का नाम बिक्की बॉस है, तो वॉलेट का नाम क्या है? अरविंद कुमार का। तो पानी और लाल कैसे जुड़ गए? अरे बड़ी लंबी कहानी, कितने एक ही दिन में सारा बता देंगे, फिर दोबारा आप हमको पूछिएगा ही नहीं, एक ही दिन में सारा चीज बता देंगे। अगर हॉट छोड़ दिए तो जो आपकी ऑडियंस है हॉट वाली, वो कहाँ जाएगी? तो अनाथ होगी ना। देखिए ऑडियंस अनाथ होती है यहाँ पर, वो अनाथों के नाथ कितने भोलेनाथ घूम रहे हैं करने के लिए। अब देखिए तूफानी लाल छोड़ दिया, कहे आप बैठ गए भाई, आप खड़े हैं तो अच्छा लग रहा है, और कैमरा घुमाओ कहने के, और अनहार कर घुमाए लाइटवा हमारे और रखे खाली कैमरा चमकते हैं। अब देखिए हमारा बुझाता हम दुख हमारा के देखला से बुझाता नु कि एक बीघा खेत कौन गोहट कह के अब पहुँचल बेहंगा होंगे देखे। अब देखिए इंडस्ट्री में ही हो कि भाई हम अब यहाँ के देखो तो बुझाता कि हाँ इंडस्ट्री के भाई गाना बजाने में कहा ही है तो देखिए हम निकला कि बुझा कि हर बुआ ठुला आदमी है बोल। आपके फैंस लोग से क्या कहना चाहो? हम ये कहल चाहम कि हंसी मजाक अपना जगह बा, सीरियसली ये कहल चाहम कि हम जो कोशिश करतनी कि मतलब भोजपुरी के लेवल बनावल, कि एगो एक समय में बदनामी कैले बही तो हम ही कैले बही, लेकिन एकरा खातिर दिन रात मेहनत करते हैं कि अच्छा वीडियो मतलब हम बनाई, एगो लेवल उठे, कैसे वीडियो से लेवल उठ सकेला तो लेवल उठे, आ जे भी लोग बनावता जे भी अच्छा वीडियो बनावता हम पर्सनली फ़ोन करके धन्यवाद दी, जेकर नंबर रहला बहुत अच्छा लगा था, जो बढ़िया गायक हॉट करेला ओकरों को फ़ोन करने की कहा ऐसे करते हो एगो, मतलब कि रियली में अब नाम नहीं लेना चाह रहे, फ़ोन कर करके बोलते हैं कि तू अच्छा सिंगर हो, अच्छा आवाज़ बका है कहते ऐसा काम करते हो, हम तो भाई लमेरा रही हम को रास्ता ना मिलते रहे तो यही में मतलब एगो ऐसा काम कर देनी चाहिए, ऐसा गलती तो हम लोग मत करल, तो कोशिश ये बा कि अच्छा वीडियो जो बनावता ओकरा के रउआ सब सपोर्ट करी जा, श्रोता बंधु से यही नहीं हो रहा बा कि अच्छा जो भी वीडियो बनावता ओकरा के दिल से सपोर्ट करी जा, ताकि ओकर हिम्मत बना रही कि इतना ज़्यादा पैसा लगा के कर, ज़्यादा पैसा लगावता तो ओकर रिकवरी हो जाओ, तबे वो कोशिश करी अच्छा वीडियो बनावे के, न तो फिर 2000 में धो के डिस्क को भांगड़ा कह के डाल दियो, 500 में वीडियो बन जाए होने हो गई, हमारी ये कोशिश रही कि अच्छा वीडियो को सपोर्ट करी जा, एक खातिर हम नम्र निवेदन कर चाहते कि जो बढ़िया कलाकार वो करा के सपोर्ट करिए, ना कि हमारे खातिर खाली उठाई जाने, जरा भी अच्छा गायकी वो करा के सपोर्ट करी जा, जो बढ़िया वीडियो बनाओ तो वो सपोर्ट करिए, ये हाथ के विनती है हमने जो तरह जीत खा देंगे ठीक बन जाए। अनिल भाई के लिए क्या कहना चाहूँगा? हम तो आई रही है ये मतलब दो चार काम से बिक्की भैया फिर तो और भी दो चारों काम रहे तो यहाँ के फोन मैंने अनिल भैया बिक्की भैया के माध्यम से यहाँ के फोन हमारे भी गोल लेता हम कहीं हम जा जाएंगे, तो कोशिश ये रहे कि जो भी मतलब कि दिल से बोल तो जब पहुँची जाए, आ भैया बोल नहीं है तो अच्छा लगल है कि कम से कम बोल नहीं नू यहाँ के अंदर ही बानू भाई है खाली हॉटे नहीं है वो इंसान भी बा, तो कम से कम इंसान समझ के बोल नहीं ना इसे छोड़ दिले भैया भैया से निकाल ले। और राज यादव जी के पिक्चर रिलीज बाटे जो कि बिहार झारखंड में अच्छे गए थे, मुंबई में गुजरात में रिलीज भेल बाटे, राम अली का काल चाल उनका का सुखा होगा देख जाओ हम जे भी भाई बहन जा यहाँ का हम देखते रहे यूट्यूब पर, जे भी भाई बहन जा राज भैया बहन तो हम हमेशा
मतलब कि हमनी से जीवन भी होके लायक रहे, मतलब जीवन हमार जीवन औकात बा, अब तो ये ना कहम कि हम शेरशाह सूरी हैं, मतलब जीवन औकात बा हमने जीवन होके लायक रही भैया कबू खोज हम निकूज तैयार हम जा। इनके जो फिल्म देखे खातिर अपने फैंस लोग से काका हमने कहम जा कि भैया के आगे बढ़ाई जा, भैया के पिक्चर देखी जा, भैया के बहुत प्यार दुलार दी जा, आज भैया मेहनत करते हैं जा कि ताकि यहाँ सब एक मनोबल बढ़े कि और भी आगे काम करत रहे जा, ये रिक्वेस्ट कर जा। वहाँ के तो अपने बोरत नहीं महाराज वहाँ का कहे गो कोना साथ में कौन स्टेज प्रोग्राम केले बानी है करे प्रोग्राम बा यहाँ के पहिल का भी देखनी है अगला प्रोग्राम है हैप्पी राइड फर्स्ट टाइम मेरे हम लोग तो हैप्पी जी साथ है अगला प्रोग्राम करे एमर लगी है संकाना को दिल जी गाना बजाना हुई का जी गोनू है गई न माने गोनू गाई नहीं है के आई भी कर ना एक्टिंग भी कर ना तू है माने का ना हुई मैं दू काम रह लेते हम पर अब हां देखियो हां साला से बड़ी कुछ हो बाद हो जाला ना हो जाला अब हम बढ़िया चीज बहुत नहीं है हंस के हमरा के वो लेवल में 2 साल पीछे ले जाते हैं पीछे ले जाते हैं बहुत अच्छा मतलब कि बहुत अच्छा म्यूजिक लगेला मेलोडी लगेला वॉइस भी लगेला वॉइस में हमने के दिल से एल्बम क्षेत्र में दिल से हमने के मान ना जाते शंकर भैया के ना तो रंजय बावला जी के वो जय पटना में आज इन्हें हमके वॉइस एल्बम क्षेत्र में मैंने अच्छा लगल कि भैया के राज भैया के हमारा बहुत अच्छा लगा मतलब कि गाजीपुरी भैया के अच्छा लगल दिल से हमने कहते हैं जा तो भैया के सपोर्ट करी जा और भैया के बहुत बहुत प्यार दुलार दी जा कि मुंबई में आयल बही तो यहाँ के आयल सार्थक हो जाओ ताकि बहुत सारे लड़कन के गायकन के कल्याण यहाँ कर सकें तो भाई लोग कुछ बोलूँगी बोली बहुत सारी चीज़ें सुनी आप लोगों ने तूफानी लाल यादव जी पूरा नाम सही बोला ना एक्चुअली ये आप वाकई में बहुत मज़ेदार आदमी हैं हम भी भोजपुरी में बोलेंगे आपको देख के मुझे भोजपुरी में बोलने का मन कर रहा है यहाँ के बहुत बड़े मज़ेदार आदमी बड़े हैं इनसे बात करके हमको इतना हंसी आई ला जो पहली बार हम भोजपुरी इंडस्ट्री में आए रहने गावे खाती तो मतलब सब तो गावे ला अपने में कोई के मुँह ऐसे लटक रही कोई के मुँह ऐसे लटक रही लेकिन जब से आए बड़ा हम हंस हंस के पागल हो गए नहीं क्या कि इनका बात ही नहीं डाला बटे और पहली बार हमके हंसी आवत रहे खाली खेसारी लाल जी की बात सुन के लेकिन इस सेकेंड खेसारी लाल जी बाड़न की इनका हर एक स्टाइल में हंसी आवत हमके सच में आप बहुत आगे जाएंगे और मैं तो कलाकार उसी को मानती हूँ जो वाकई में सब चुप रहे वहाँ खामोश रहे वहाँ पर कुछ कर डाले आपने सबके बीच में एक अपना अलग ही छाप छोड़ दिया मुझे बोलना ही पड़ा है एंड गॉड ब्लेस यू तूफानी लाल यादव जी को बहुत कुछ करिए अब स्वीट हमनी के तो मैंने देखिए वो कलर होला मान ली के वो करिया होला एगो उजर होला आ दोनों मिल जाए तो ओकरा के फोटो कह जाला चाहे घोड़ावन के रंग में अबलख कह जाला तो हमनी के तो चितकावर भाई अबलख बनी जाए यहाँ के भाई यहाँ के प्यार दुलार दी जा जहाँ भी गाओ तई अच्छा गाई ना अच्छा परफॉर्म कर ना तो यहाँ के सपोर्ट करी जा और प्यार दुलार हैप्पी जी के दी जा ताकि यहाँ ऐसा और लोग मतलब कि कलाकार लोग आई जा और स्टूडियो में गाए से अब रौरा सब बढ़ी को बतिए हंस के बाबू करते बैठ महाराज एक्चुअली अभी स्टेज पे जाते होंगे तो मुझे लगता है पता नहीं क्या क्या करते होंगे मुझे आपके मतलब जब आप नॉर्मल से लाइक स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं यहाँ मतलब गेट टुगेदर एक पार्टी है देख लो देखा जाए तो एक ओपनिंग है स्टूडियो का इनका त्रिमूर्ति स्टूडियो का लेकिन आप इतने लोगों के बीच में बैठे बैठे ऐसा हंसा दिए हो आप कि मतलब मैं उससे मैं जज कर सकती हूँ कि आप स्टेज पे क्या करते होंगे ऑसम परफॉर्मेंस होगा आपका रियली एक मिनट है भैया कुछ बोलेगा नहीं हो ही करेगा तो एगो गाना हमारा कि अर्थ पूछी ना कि एकर अर्थ बतै हलो गानों में पूछ लेबे तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड है वही चैनल पर डाल लेबे उमे गाना बा कि हर की केहू के छोट बाटे केहू के लामा
कि आवे जाए वाला सभे करता डरामा अरे माया में मनवा अटकल बा एगो लटकल बा एगो सटकल बा एगो लटकल बा एगो सटकल बा यही में दुनिया भर भी जमत तब देखी रौरा सब मैंने हंसी छूटता अब लइकन से पूछम का भाई का लटकल बा का सटकल बा कोना में दुनिया भटकल बा तब लड़का ऐसा ऐसा फिगर बना के हाथ से मतलब ऐसा ऐसा इशारा करते पर मतलब अपना अपना इशारा करता है राज भैया कि अब हम कहीं ना कि बताओ ये क्या सोचत है लेकिन ओकर अर्थ बहुत प्यारा बा कि केहू के छोट बाटे केहू के लामा मैंने करम कमाई आवे जाए वाला सब करता ड्रामा जे 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 भी धरती पाइल बा काहे बैठत बैठो रोल मत करी खा वाला जे जे धरती पाइल बा कोनो ना कोनो रोल निभाल दो हमनी के गावत आई जा हैं तो यहाँ जैसे मान ली गाई ना अदाकारी कर ना भैया स्टूडियो चल सब अपना अपना करम मेरे लगे ले भाई हाँ रोल लगाओ तई मैंने कैमरा ऐसी लगा दे तो सब कोई अपन अपन रोल बा तो मतलब कि हंसी जा मत हंसी जा एगो केहू के छोट बट केहू के लामा करम कमाई आवे जाए वाला सब करता ड्रामा ए कौन ना कौन रोल करता माया में मानो भटकल बा माया में अझुराइल बा आई एगो लटकल बा एगो सटकल बा एगो लटकल बा एगो सटकल बा का जी भाई पी जी एगो लटकल बा एगो सटकल बा का आई तो आकाश लटकल बा धरती सटकल बा यही में दुनिया भटकल बा तो ई कतना सॉफ्ट मतलब एकर अर्थ बा लेकिन आदमी अब कहाँ कहाँ घुस जाते हैं दिमाग लेके दिमाग दिमाग में बाकी कहाँ कहाँ घुसल बा उनका सोच न सकी ना कि कहाँ कहाँ चल गई सोच इशारा क्या करते हैं लड़के बता दीजिए और लड़कन के इशारा क्या बताए रामचरण भैया के चैनल बंद कराई मैं पीला बत्ती जरा था आ तूफान लल यादव लिखला पर पहले ही पीला बत्ती जर जल तब धार्मिको गाना डालब नु तो तूफान लल का नाम नु तो पीला बत्ती जर जल तो हम देखे चाहत कि मतलब कि राउर चैनल दिन रात आगे बढ़े हमने के शुभकामना रही आ सब कलाकार के सपोर्ट करना आ बहुत सलीनता से पेश आई ना बहुत खुशी होला हंसी में जाकर अपना जगह पर सब कलाकार के जी सपोर्ट करी जा आ जीवन भी हमने लेखा गरीब कलाकार ही जाओ तुम्हें मुंबई में पहुँचत हूँ तो अब जान जी कि जनरल में कैसे ठूसा ठूसी कह कहीं नहीं जा जनरल बोगी में तेल देता वो सब भैया इन्हें मुँह बने के बच्ची इनाहो के नहीं बगली में पैसों देखे पैसा खत्म मत हो जाओ अब देखिए आई देखिए मान लिया करिए भाई देख लिए अपन मारत रहते जनरल बोगी में डब्बा में चढ़ेगा बा जनरल डब्बा में चढ़म पसीना हो थी हो ठेला टेली पैसा उतने बा टिकट कटे लेवे वही में कलर उहे बा कलर करिए बा यही में स्प्रे मार मार कोई सब ठीक ठाक रखल रहता है जोने में बाने में तो जान बहुत गरीब कलाकार के बड़ा दिक्कत बा भैया तो गरीब कलाकार के सपोर्ट करी जा आई देही महके लगता भैया देही महके लगता सही में जनरल में ठूस के कहाँ पैसा रहता कैसे घूमब जब मुंबई में खानो खाई तो मतलब बहुत महंगा महंगा बा तो कैसे कैसे जियत तो हमने सब कलाकार के सपोर्ट करी जा हमने के रोजी रोटी चल लगे हमनियों के जी ही जा खाई जा आई हमनियों के जहाज पर चढ़े के मिल लगे कितना निक लगे इतना लगे तो उड़ जीती जा हाँ मैं ना उड़ जीती जा तो ये सपोर्ट करी जाए हमनियों के जनरल में से ठेला ठेली से निकल के ऊपर आई जा तो भाई लोग से भोजपुरिया स्रोत समाज के कोई दुख लागल हुई तो बुरा मत मानो हंसी मजाक खातिर कुछ बोल लोग हम जाता ऐसे दिल पना लेवे कोई गोल लगाते जाए सबको प्रणाम करते जा आ रामचरण भैया के प्यार दुलार दी जा कि हर कलाकार के सपोर्ट करते रही हमारे राज गाजीपुरिया भैया भाई यहाँ के इहों के विशेष सपोर्ट करी जा सब लोग आई जा पूरा कलाकार मंडली आई जा कलाकार लोग से हम निहोरा करते हैं कि रियली में भैया अच्छा म्यूजिक बनाते हैं सब काम अच्छा करते हैं आके काम करी जा कभी भी तूफानी लाल जब भी बिकी बोसरल भी कोनो कलाकार के भलाई के लिए भाई तो हम बहुत सोच समझ के बात बोलते हैं कि आई जा अच्छा से काम करी जा और बढ़िया से अपन मार्केट में नाम करी जा सब लोग बोला प्रणाम करते हैं मेरा नाम सोनी सिन्हा और महुआ जिला टॉप संग्राम से मैं हूँ और राज जी बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और साथ ही बहुत अच्छे इंसान हैं और इनकी स्टूडियो यूपी में हमारे मऊ ज़िले में थी त्रिमूर्ति के नाम से जहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार आके गा चुके हैं जैसे मेरा भी बहुत सारा एल्बम वहाँ वहीं से आया है और आज मुंबई में देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि राज जी आज यहाँ भी अपना जलवा बिखेरेंगे मुंबई में और उन्हें ढेर सारी बधाई हो और हम लोग भी चाहते थे कि राज जी मुंबई में आए और हम लोगों को चूँकि हम लोगों को पैस करने के लिए जाना पड़ता था यूपी मऊ अब तो यही सब कुछ हो जाएगा तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद राज जी का और उनके जो भी सहयोगी हैं जिन्होंने उन्हें उनको सपोर्ट किया है जो लोगों ने मुंबई में उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज राज जी की स्टूडियो गोरेगांव में है क्योंकि हम लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और काम उनका बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छा काम करते हैं हर किसी सिंगर को अच्छे बुरे या फिर जैसे भी
वो किसी का ग्रेड नहीं देखते हैं, ए बी सी जो भी ग्रेड के सिंगर हैं सभी को सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं राज जी, और उनके जो भी सहयोगी लोग हैं बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम लोग जितने भी सिंगर हैं खासतौर से उनसे बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि वो सभी सिंगरों पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं और घर के तरीके से सभी से पेश आते हैं, ना कि किसी म्यूज़िक डायरेक्टर की तरह। तो बहुत ढेर सारी बधाई राज जी को, और उनके जो भी चाहने वाले हैं उनको भी बहुत ढेर सारी बधाई है, जिन्होंने स्टूडियो के लिए बहुत उनका सपोर्ट किया है उनको भी ढेर सारी बधाई है। कोई दो लाइन गाना सुनाना चाहूँगा उनके स्टूडियो से, मेरा बहुत सारा एल्बम है पर एक गाना मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी कि बेवफा यार मिला था दुनिया में जिसने मेरे साथ बेवफाई की, कि अब जीने की हसरत ना रही जो उसने मेरी तो। राज जी का बहुत ही सारा एल्बम किया हुआ है, क्योंकि मेरा जब भी एल्बम होगा तो मैं खुद चाहूँगी कि मेरा जो भी एल्बम है सब राज जी करें, और बहुत ढेर सारी बधाइयाँ सभी को, और जो भी काम करते हैं बहुत फ्रेश करते हैं, दिल से करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।